ये वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज की जो आपने बाइक के बारे में हमेशा सुनते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आरपीएम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, बीएचपी क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होता है, सीसी क्या होता है। तो गाइस आपने जब भी बाइक या कार का टॉपिक आता है तो आपने सुना होगा कि मेरी बाइक 1000 सीसी की है, मेरी बाइक 600 सीसी की है, मेरी बाइक 150 BHP की पावर जनरेट करती है, मेरी बाइक 100 BHP की पावर जनरेट करती है, या फिर आपने बाइक इतने RPM पे चलानी चाहिए। तो गाइस बहुत लोगों को ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊं कि ये एक एक चीज़ का मतलब क्या है और वो आपके बाइक में आप कैसे उसको गिन सकते हो या फिर कैसे मेजर कर सकते हो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं सीसी से। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मेरी बाइक 220 सीसी की है, मेरी बाइक 350 सीसी की है, मेरी बाइक 600 सीसी की है। तो गाइज ये सीसी क्या होता है? तो गाइज ये सीसी का फुल फॉर्म है क्यूबिक सेंटीमीटर। आपके बाइक में इंजन में जहाँ पर पिस्टन रहता है, यानी कि जो पिस्टन सिलेंडर होता है, वहाँ पर जो पिस्टन ऊपर नीचे जो मूव करता है उसे हम TDC और BDC कहते हैं। ये जो TDC और BDC है इसका मतलब मैंने मेरे पुराने वीडियोज में भी बताया था, उसका मतलब होता है टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर का मतलब होता है आपका इन जो पिस्टन है वो एकदम टॉप पर है, और बॉटम डेड सेंटर का मतलब होता है आपका जो पिस्टन है वो एकदम इंजन के नीचे आया है। तो गाइस ये जो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर होता है, इसके बीच का जो जो डिस्टेंस होता है या फिर इसका बीच का जो मेजर होता है उसे हम सीसी कहते हैं, उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में गिना जाता है। तो गाइस उसे सीसी कहते हैं। तो आपकी बाइक में जितना ज़्यादा सीसी होगा उतना ज़्यादा स्पेस ये जो पिस्टन सिलेंडर में है उतना होगा। तो गाइस आपने देखा होगा मेरी ये जो बाइक है ये 4 सिलेंडर वाली बाइक है, तो इनके हर एक सिलेंडर में 250 सीसी का स्पेस होगा, इसकी वजह से ये 1000 सीसी की बाइक है। उसी वे में आप अगर बुलेट का एग्जाम्पल लुक तो बुलेट में एक ही सिलेंडर आता है, तो बुलेट का सिलेंडर का ओवरऑल जो स्पेस होता है वो 350 क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है, इसीलिए बुलेट को 350 सीसी वाली बाइक कहते हैं। तो गाइज ये हो गया सीसी के बारे में। आई होप आपको अभी पता चल गया होगा कि सीसी क्या होता है, उसे कैसे मेजर करते हैं और ये कौन कौन सी बाइक में किस किस वे में होता है। तो गाइज अब हम मुड़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है पावर से रिलेटेड। तो गाइज ये जो पावर है ये दो टाइप की होती है, एक होती है BHP और दूसरी होती है हॉर्स पावर। तो गाइस बहुत से लोग जो है उन्हें लगता है कि BHP और हॉर्स पावर सेम है, बट ये दोनों जो चीज़ें हैं वो अलग अलग है, ये BHP और हॉर्स पावर सेम नहीं है। तो गाइस हम सबसे पहले BHP के बारे में बात करते हैं। तो गाइस BHP जो होता है वो क्रैंकशाफ्ट की पावर होती है इंजन की। तो गाइस ये जो पावर है ये एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में कंपनी चेक करती है, उस टाइम पे आपके बाइक के इंजन को कोई भी व्हील या फिर कुछ भी अटैच नहीं होता है। सिर्फ ये अगर मैं बात करूँ तो ये इंडिविजुअल इंजन की पावर होती है, आपके क्रैंकशाफ्ट की पावर होती है, और उसको एक जैसे कि मैंने बोला कंपनीज जो होती है वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में चेक करती है, और कोई भी इंजन का BHP पावर निकलती है। तो गाइज ये तो हो गया BHP के बारे में, अभी हम हॉर्स पावर के बारे में बात करेंगे। तो गाइज हॉर्स पावर जो होती है वो BHP से अलग होती है। हॉर्स पावर मतलब आपके बाइक के इंजन की पावर होती है जो कि चेन या सस्पेंशन से लेकर गुजरती है आपके रियर व्हील तक। तो गाइज ये जो पावर ट्रांसफर होती है इंजन से, जो पावर निकलती है जो वाया चेन और सस्पेंशन से लेकर जो रियर व्हील में जाती है, तो गाइज ये जो एंड जो पावर होती है फाइनल पावर उसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। तो गाइज ये जो पावर ट्रैवल करती है जैसे मैंने बोला चेन या सस्पेंशन से लेकर जब रियर व्हील में पावर ट्रांसफर करती है तो उसमें थोड़ा सा पावर लॉस हो जाता है। तो गाइज आपने बहुत बार सुना होगा कि जो बुलेट है उसकी एक्चुअल BHP जो है वो 19 BHP है, लेकिन जब आपको रियर व्हील में जो एक्चुअल पावर मिलती है वो 11 BHP की ही मिलती है। ये जो कम पावर मिलती है ये पावर लॉस की वजह से होता है, भले ही आपका इंजन 19 BHP की पावर जनरेट कर रहा है, बट जो रियर व्हील में आते आते वो पावर सिर्फ 11 BHP की रह जाती है। तो गाइज ये बुलेट का जो पावर लॉस है ये बहुत बड़ा पावर लॉस है, आपको लिटरली 40-45% जो पावर है वो आपको पावर लॉस में चली जा रही है, बट बाकी के बाइक्स में इतना ज़्यादा पावर लॉस नहीं होता है। आई होप गाइज मैंने अब तक आपको जो टर्मिनोलॉजीज बताई है वो आपको थोड़ी तो समझ में आई होगी। मैंने जितना ट्राई किया है आपको सिंपल भाषा में बताऊँ उतनी सिंपल भाषा में आपको ये टर्मिनोलॉजीज बताई है। तो गाइज अब हम मुड़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है टॉर्क। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरी बाइक का टॉर्क बहुत ज़्यादा है या फिर किसी बाइक का टॉर्क बहुत कम है। तो गाइज अब हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइज टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट या फिर रोटेटिंग इफेक्ट। आपके बाइक में जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो रोटेट करता है अंदर, उस रोटेशन मोशन को टॉर्क कहा जाता है। तो गाइज ये टॉर्क जो है इसका एक फॉर्मूला भी बना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका अगर मैं मतलब बताऊँ तो जितना फोर्स लगाया जा रहा है और जितना दूरी से लगाया जा रहा है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टॉर्क निकलेगा।
तो गाइज ये जो टॉर्क है इसका सिंपल मतलब होता है आपके बाइक का पिकअप। आपकी बाइक आप जब फर्स्ट गियर में डालते हो और क्लच छोड़कर जब एक्सेलरेट करते हो तो आपकी बाइक कितने फास्ट निकलती है ये टॉर्क डिसाइड करता है। अगर आपके बाइक का टॉर्क ज़्यादा है तो आपके बाइक में पिकअप ज़्यादा मिलेगा, अगर आपके बाइक में टॉर्क कम है तो आपकी बाइक का जो पिकअप है इनिशियल जो पिकअप होता है वो कम मिलेगा। तो गाइज अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो वो है आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशंस पर मिनट। आपकी बाइक में जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो 1 मिनट में कितना बार रोटेट करता है, कितना बार घूमता है, उसको हम आरपीएम कहते हैं। अगर आपकी बाइक 2000 आरपीएम पर है इसका मतलब आपका जो क्रैंकशाफ्ट है बाइक में वो 1 मिनट में 2000 बार घूम रहा है अंदर। तो गाइस इसी वे में आरपीएम मेजर किया जाता है। आरपीएम बहुत इजी है, जैसे कि मैंने बोला कि आपके बाइक का जो क्रैंकशाफ्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार गोल घूमता है उसको हम आरपीएम कहते हैं। तो गाइज ये थी कुछ टर्मिनोलॉजीज बाइक को लेकर। आई होप अभी आपके मन में जो डाउट थे सीसी, बीएचपी, हॉर्स पावर या फिर आरपीएम को लेकर वो अभी थोड़े तो क्लियर हुए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा तो आप प्लीज़ आपके दोस्तों से शेयर करना ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो आई होप गाइज मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।